नेतन्याहू डिफेंड्स गजा वायरस प्रोटेस्टर्स रैली आउटसाइड यूएस कांग्रेस। इसराइल्स पीएम बेंजामिन नेतन्याहू टोल्ड यूएस लॉ मेकर्स आर एनिमीज आर योर एनिमीज इन अ लैंडमार्क स्पीच टू कांग्रेस एंड टेंटेड टू रैली सपोर्ट फॉर द वार अगेंस्ट हमास इन गजा बट मार बाय प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपिटल। व्हेन वी फाइट ईरान वर फाइटिंग द मोस्ट रेडिकल एंड मर्डरस एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर नेतन्याहू सेड आर फाइट इज़ योर फाइट एंड आर विक्ट्री विल बी योर विक्ट्री ही एडेड। द इसराइली लीडर रिसीव्ड अ रॉकस रिसेप्शन फ्रॉम मोस्टली रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस एज ही डिलीवर्ड अ स्पीच टू अ जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस इस फोर्थ। इन कॉन्ट्रास्ट नैन्सी पेलोसी अ डेमोक्रेट एंड द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्रिटिसाइज द एड्रेस इन अ पोस्ट ऑन एक्स। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंटेशन इज द हाउस चैम्बर टूडे वॉज बाय फार द वर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्मर फॉरन डिग्निटरी इन्वाइटेड एंड ऑनर्ड विद द प्रिविलेज ऑफ एड्रेसिंग द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स शी सेड। Mrs. Pelosi did not attend the address in street meeting with Israelis affected by the 7 October Hamas attack, according to a statement from her office. She said she hoped the Prime Minister would spend time working towards a classified deal that will bring the hostages home. Growing political divisions over the war in Gaza were understood by the dozens of Democratic members of Congress deliberately not present and thousands of protesters on the streets outside.